अध्यक्ष जी, सुबह से इस बजट की चर्चा में काफी माननीय विधायकों ने इसमें चर्चा की और जिसमें कि सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी विधायक ने हिस्सा लिया, उन सभी का मैं धन्यवाद देता हूं। जैसा कि मैंने कहा कि मेरा ये वित्त मंत्री के रूप में पहला बजट था और माननीय मनीष जी को व्यक्तिगत रूप से भी और मैं समझता हूं कि सभी दिल्ली वासियों ने बहुत मिस किया, क्योंकि कहीं भी अगर बजट की चर्चा स्पेशली दिल्ली सरकार में जब भी हुआ करती थी तो हमेशा बजट और मनीष जी जो है वो एक साथ, जैसे चाली दो मन का साथ है, उसी प्रकार से हमेशा रहा। मेरे लिए एक नया अनुभव रहा, समय कम था और खूब मेहनत की कि जो माननीय सीएम साहब का आदेश है और दिल्ली वासियों के लिए एक बेहतरीन बजट पेश किया जाए, तो वो हमने पेश किया। मैं सभी ऑफिसर्स का और सभी जो पूरे मेरे साथ दिन रात मेहनत करके मेरे ऑफिस के सदस्य जितने भी फेलोज़ हैं उन्होंने जो मेहनत की उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बात मैं ज़रूर इस पूरे सदन के साथ साझा करना चाहूँगा, बजट प्रेजेंट करने के बाद इस हाउस में बजट ले करने के बाद अध्यक्ष जी तमाम फ़ोन कॉल आए कि बहुत ही शानदार बजट पेश किया और जिसमें हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर आयु के व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर इस बजट में है। न्यूज़पेपर ने खूब बढ़िया तरीके से कवर किया, सोशल मीडिया पे बहुत सारे रिएक्शन आए कि बढ़िया बजट पेश किया। पिछले 8 सालों से अध्यक्ष जी मैं सुनते आ रहा हूँ, जब भी बजट के बारे में विपक्ष की बारी आती है तो इनकी एक एक ही टिप्पणी रहती है, वो भी इस बार भी यही टिप्पणी रही, बहुत ही बेकार बजट है। कोई कह रहा है जी ये कॉपी पेस्ट है, कोई कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई केंद्र सरकार की जो योजनाएं उनको गिनवाए जा रहे हैं। मैं तो इंतजार कर रहा था कि ओपी शर्मा जी ने शायद कहा कब ये पीएम हाउस की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि है तो वो भी दिल्ली में ही। बिल्कुल, तो उनके लिए मेरे जो उनको मैं जवाब दे रहा हूँ एक शेर के रूप में, खिलाफत करते रहो तो मेरी बेशक करते रहो, जुगनुओं की बगावत से जंगल जला नहीं करते। और अध्यक्ष जी ये हमारी ये बार बार हमारे बारे में कुछ कह रहे थे, तो मैं बड़ी शांति के साथ सुबह से सुन रहा हूँ, तो ये उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। निकले हैं वो लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने, किरदार जिनके खुद मरम्मत मांग रहे हैं, ये उनके लिए। और अध्यक्ष जी इनको बजट से कोई मतलब नहीं है, इनको बजट से कोई मतलब नहीं है। और बीच में एक चीज और भूल गया मैं, ये वो कह रहे हैं ना ऊपर से लेके नीचे तक सारे अनपढ़ इकट्ठे हो गए, ये मैं प्रूव कर रहा हूँ। मैं एक्साइज मैटर के एक स्टार्ट क्वेश्चन में जवाब आया माननीय अभय वर्मा जी को, चिल्ला के वहां से कह रहे थे घाटा हो गया। और मैं ये भी मैं अनुरोध करूंगा इनसे कि हाउस को कभी मिसलीड नहीं करना चाहिए, हम तो सब पढ़े लिखे हैं, हम समझते हैं। अभी देखिए क्या कह रहे थे, ये कह रहे हैं 3000 करोड़ का घाटा हो गया। इसी आंसर से पढ़ रहा हूं मैं, हमारी नई एक्साइज पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई 17 नवंबर 21 से, तो 17 नवंबर 21 से लेके 31 अगस्त और जो और उसी पीरियड का अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो अगर हम 17 नवंबर 2020 से लेके 31 अगस्त 2021 तक का हम रेवेन्यू कलेक्शन अगर लेते हैं, जितना पैसा इकट्ठा हुआ एक्साइज और वैट दोनों मिला के, तो ये आता है 4890 करोड़। मैं सभी मान्य सदस्यों की उसके लिए नई एक्साइज पॉलिसी इंप्लीमेंट होने से पहले जो 2020-21 का ये समय था 17 नवंबर से 31 अगस्त तक का, ये टोटल रेवेन्यू जो कलेक्ट हुआ वो हुआ 4890। और अगर हम उसके अगले साल का इसी समय का अगर हम देखें, मतलब कि 21-22 में अगर 17 नवंबर 21 से लेके 31 अगस्त 2022 का अगर हम रेवेन्यू कलेक्शन देखें, तो ये आता है 5576।
अब कौन सा ज्यादा है कौन सा बड़ा है ये मुझे बतानी है। तो ये ऐसा नहीं चलेगा। ये अभी तो जाइए अध्यक्ष जी, ये अभय जी, ये अध्यक्ष जी बताता है ऐसे नहीं चलेगा कि इनको कोई समझ नहीं है, इनको कोई समझ नहीं है कि कौन सा मान ज्यादा है और कौन सा कम है। ये बिल्कुल उत्तर सुनिए अभय जी आप, ये बिल्कुल ये गलत तरीका है आपका। मैं सहन नहीं कर पाया इसे। अभय वर्मा जी बैठ जाइए, मैं वार्निंग दे रहा हूँ, बैठ जाइए। अभय वर्मा जी बैठ जाइए। अगर अगर आपको लगता है अब आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है, आप बैठिए। मार्शल्स अभय वर्मा को बाहर करें। अरे पढ़ लिया करो मंत्री, थोड़ा पढ़ लिया करो कभी, थोड़ा पढ़ लिया करो कभी, थोड़ा पढ़ लिया करो। स्कूल सही समय पे स्कूल जाते कॉलेज जाते तो थोड़ा ज्ञान प्राप्त होता। थोड़ा पढ़ लिया करो, थोड़ा पढ़ लिया करो अध्यक्ष जी। आप ऐसे थोड़ी चलेगा अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी पूरे अध्यक्ष जी ये बिल्कुल अब अध्यक्ष जी ये बिल्कुल गलत है। आप बैठ जाइए, बाहर बैठ जाइए। आप पॉलिसी को पहले पढ़ के आ जाइए एक बार। अध्यक्ष जी दो मैं माननीय सदस्यों के समझ के लिए ये भी बताना चाहूंगा अध्यक्ष जी, दोनों पॉलिसीज जो हैं वो बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म पे थी। पुरानी पॉलिसी थी जो एक्साइज ड्यूटी रजीम हम कहते हैं, सारा चीज़ें एक्साइज ड्यूटी के रूप में इकट्ठा किया करते थे, और जो नई पॉलिसी थी वो सारा लाइसेंस फी के रूप में उसको इकट्ठा किया गया है। दोनों पॉलिसीज को कंपेयर करना भी एक प्रकार से ठीक नहीं है। इट इज़ लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। सेब और संतरे को अगर कंपेयर करें वो ठीक नहीं होगा। लेकिन हाउस को मिसलीड करना, स्टार्ट क्वेश्चन जो लिखित रूप में डिपार्टमेंट की तरफ से और मेरी तरफ से जवाब आया है उसको तोड़ मरोड़ के गलत तरीके से पेश करना, ये बिल्कुल गलत है। और मैं फिर दोबारा तीन चार और चीज़ें सामने रख रहा हूँ जिससे ये प्रूव होगा कि जो कहा उन्होंने माननीय सदस्य अभय वर्मा जी, वो बिल्कुल सरासर गलत है। दिसंबर के महीने मतलब कि 2020 दिसंबर में जितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ वो है 508 करोड़, और नई पॉलिसी इंप्लीमेंट होने के बाद 2021 दिसंबर में जो पैसा इकट्ठा हुआ वो हुआ 850 करोड़। तो कौन सा ज्यादा है, 508 करोड़ ज्यादा है या 850 करोड़ ज्यादा है? अध्यक्ष जी मार्च के महीने में जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, पुरानी पॉलिसी में जो कलेक्ट हुआ वो 524, मैं रिपीट कर रहा हूं, पुरानी पॉलिसी में जो पैसा कलेक्ट हुआ मार्च 2020 में जो कलेक्ट हुआ वो हुआ 524 करोड़ रुपए। और आप लोगों को हैरानी होगी जानकर कि जो नई पॉलिसी में मार्च 2021 में जो पैसा इकट्ठा हुआ वो 1060 करोड़, डबल पैसा इकट्ठा हुआ। इनको एक्साइज पॉलिसी कोई मतलब नहीं है, इनको मतलब है एक आदमी को रोकने का। एक आदमी को रोकने से मतलब है, और उस व्यक्ति का नाम है अरविंद केजरीवाल। इनको कोई मतलब नहीं दिल्ली से, इनको कोई मतलब नहीं एक्साइज पॉलिसी से, इनको सिर्फ एक व्यक्ति को रोकना है, अरविंद केजरीवाल को रोकना है। दिल्ली वासियों को काम नहीं करने देना, आम आदमी पार्टी को रोकना है, उनका यह मकसद है सिर्फ। इनको कोई मतलब नहीं है बजट से, इनको कोई मतलब नहीं है दिल्ली वासियों से। और एक और रख रहा हूं, जून 2020 में जो पैसा इकट्ठा हुआ, जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ वो हुआ 242 रुपए, और जून 2021 मतलब की नई पॉलिसी इंप्लीमेंट होने के बाद वो हुआ 678 करोड़ रुपीज। तो कहां से कम हो गया? मैं तो कह रहा हूं थोड़ा पढ़ लिख दिया करो। सारे अनपढ़ इकट्ठे हो गए हैं, सारे अनपढ़ ऊपर से लेकर नीचे तक अनपढ़ इकट्ठे हो गए। अध्यक्ष जी इनको दर्द है जिस प्रकार से 2015 से पहले अनेक पार्टियां, इनकी भी पार्टी थी, इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया। इनको चुप रहो, थोड़ा बात करने दिया करो, चुप बकवास किए जा रहे हो, चुप रहो। इनको कोई मतलब नहीं है। मैं क्या करूं जब इनको कोई मतलब नहीं है। मंत्री जी बोल रहे हैं, उसके बाद बदतमीजी हो रही है।
मंत्री जी बोल रहे इनको इनको दिल्ली वासियों से कोई मतलब नहीं है, इनको दिल्ली वासियों से कोई मतलब नहीं है, बैठ जाइए भाई साहब, इनको दिल्ली वासियों से कोई मतलब नहीं है। चलिए अध्यक्ष जी, इनको इनको दिल्ली वासियों से कोई मतलब नहीं है, इनको दिल्ली वासियों के लिए जो बढ़िया काम हो रहा है उसके लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमेशा बेगानों की तरह, इनको इन्होंने दिल्ली वासियों के साथ हमेशा बेगानों के सलूक किया। आम आदमी पार्टी आई, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हमने, सीएम साहब ने उन लोगों की दुख को समझा, उस दर्द को समझा कि भाई कहाँ पर दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम है। ये चीख चीख के रोते रहते हैं कि मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, मुफ्त सीवर कनेक्शन, मुफ्त बस सेवा। इनको दर्द है इस चीज़ का कि हमने उनकी प्रॉब्लम को समझा, हमने उनको, हमने उनके दिलों में जगह बनाई। माननीय सीएम साहब ने एक दिल्ली के बेटे के रूप में, एक श्रवण के रूप में उनकी जो दुख था उसको समझा। तो सारा चीज में फिर दोबारा अंत में एक शेर के रूप में इन्हीं को दे रहा हूं। बेगानेपन, बेगानेपन का बदला हमने मोहब्बत में, बेगानेपन को बदला हमने मोहब्बत में। जमाना, जमाना खड़ा है हमारी मुखालफत में, जमाना खड़ा है हमारी मुखालफत में। गुस्ताखी हुई, टूट गई हमसे रिवायतें, अब मिलेंगे पुराने दोस्त भी अदावत से। बहुत बहुत धन्यवाद।